Everybody has their job, 9 to 5, and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for. Hello, दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे. शनिवार की इस खूबसूरत सी सुबह में आप सबका स्वागत है. वीकेंड आते ही मोस्टली लोग बोलते हैं खूब सारा सोना है मुझे, बट मेरे लिए वीकेंड का मतलब सोना बिल्कुल नहीं होता. सोना मेरे लिए बस ज़रूरत है, जितना सोना है ना उतना ही सो. ज़्यादा सोती हूँ तो मैं लेज़ी हो जाती हूँ और मुझे लगता है पूरा दिन तो ख़त्म हो गया. तो जितनी जल्दी जागोगे उतना ही लंबा दिन, उतना ही लंबा वीकेंड मिलेगा इन्जॉय करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है. और ये सुबह इतनी खूबसूरत होती है ना, स्पेशली समर्स वाली. और अब बस एक डेढ़ महीने ही रह गए, तो इसको जितना फील कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, कर लेना चाहिए. और थोड़ी थोड़ी सी ना धुंध टाइप्स है, जैसे विंटर्स के शुरुआत में नहीं होती है मॉर्निंग में, वैसा सा ही है. और एक अलग सी खुशबू है, एक जो धुंध की खुशबू होती है ना, वैसी वाली. और लास्ट एक दो दिन से ना खूब सारी बारिश हुई है. काँव 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 चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे वो सबको बुला रहे हैं कि सुबह हो गई है, चलो उठो, जाग जाओ. और लास्ट दो दिन से ना खूब सारी बारिश हुई है ना, तो वो एक सौंधी सौंधी जो खुशबू होती है ना, क्योंकि ग्रास अभी भी वेट है, वो आ रही है, तो बड़ी ही मज़ेदार लगती है. ग्रीन हाउस के अंदर ना ज़्यादा अच्छी होती है सब्ज़ियाँ. मटर हमने अंदर भी लगाई है, बाहर भी लगाई है. धनिया अंदर भी था, बाहर भी था, बट ग्रीन हाउस के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है, ज़्यादा हेल्दी हुए हैं. क्योंकि रात को ठंड हो ही जाती है ना, टेम्परेचर कभी कभी बहुत डाउन चला जाता है, तो ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो सेफ़ रहते हैं, टेम्परेचर मेनटेन्ड रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहे हैं. और टमाटर के भी फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन टमाटर आना स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे रेड भी हो ही जाएंगे. मटर खूब सारे हुए हैं, बीन्स भी बहुत सारे हुए हैं, कद्दू अभी भी हो रहे हैं. हमने अभी तक कोई कद्दू हार्वेस्ट नहीं किया, बट एक कद्दू बिल्कुल रेडी है हार्वेस्ट होने के लिए, बट अनुज ही कट करेंगे. लेटस खूब सारा हुआ है, एवरी डे हम फ्रेश फ्रेश लेटस लेके जाते हैं और सैलड खाते हैं. धनिया भी बहुत सारा हुआ है, 2-3 वीक से मैं बाहर से धनिया लाई नहीं हूँ. At my door, telling me there is more waiting for me. और वीकेंड की सुबह इसलिए भी तो उठना होता है कि तसल्ली वाली चाय पीनी होती है, जब पूरा घर शांत हो, पूरे वीक इस दिन का इंतजार होता है. और अच्छा लग रहा है मुझे ये चेंज कि पूरे हफ्ते चाय नहीं पीती हूँ, वीकेंड का इंतजार होता है और एक दिन आराम से बैठ के सुबह सुबह तसल्ली वाली चाय. और अभी मैं गार्डन से थोड़ी सी ना तुलसी भी लेके आई हूँ, तुलसी डालो चाय में, कितना अच्छा लगता है ना. ब्रेकफास्ट में पनीर पराठा बना रही हूँ, बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ. आटे में मैं बीट रूट का पेस्ट ऐड करूंगी, सेम इसी तरह से स्पिनच का पेस्ट भी हम ऐड कर सकते हैं. और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए, स्पेशली बच्चे बीट रूट नहीं खाना चाहते, स्पिनच तो फिर भी दोनों को पसंद है, वो खा लेते हैं, बट बीट रूट नहीं पसंद है, तो आटे में डाल देती हूँ. रेड रेड कलर अच्छा भी लगता है. और आप इसी तरह से ना मसाला पूरी भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है. आटे में ही सारा मसाला डाल दो, बीट रूट का पेस्ट डाल दो, उसी में आलू पनीर सब कुछ ऐड करके आटे को गूंद लो और फिर पराठा या पूरी बना सकते हैं. बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं. बीटरूट के छोटे छोटे पीसेस कट करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें अगर ग्राइंड कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से पेस्ट रेडी हो जाता है, ये देखो. और सेम इसी तरह से स्पिनच को थोड़ा सा ब्लांच कर लो. और उसके बाद स्पिनच में तो पानी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्पिनच का अपना पानी होता है. आज तो मैंने सिर्फ गेहूं का आटा यूज किया है, बट आप इस आटे में मिक्स भी कर सकते हो, रागी आटा, बेसन सब कुछ ऐड करके भी बना सकते हैं. नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, अजवाइन और बीटरूट ऐड करके थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया था. पनीर में भी सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, जीरा, धनिया, हरी मिर्च और नमक. Yes.
आप लोग हमेशा पूछते हो कि इंडोर प्लांट्स में अगर कोई इंसेक्ट लग गया, कीड़ा लग गया तो क्या करते हैं। तो आज तक नहीं लगा था, बट इस साल इंडोर प्लांट्स में ना एक वाइट वाइट तरह का बग लग गया था। तो नीम ऑयल यूज किया मैंने, काफी फर्क पड़ गया। इस तरह का नीम ऑयल ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से, कॉन्सेंट्रेट है। इसको आप पानी में मिक्स करके और फिर ऐसे वाले जो स्प्रे बॉटल्स होते हैं ना उससे आप डाल दो कंटिन्यूसली, लाइक 2-3 हफ्ते तक, एक 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 दो दिन का गैप करके, और फिर स्प्रे किया था। और मेक श्योर जिसमें भी बग लगा हुआ है ना, हो पाए तो उस प्लांट को थोड़ा अलग रखो, जो कि मैं नहीं रख पाई थी। तो आसपास के दूसरे प्लांट्स में भी वो व्हाइट वाले बग्स आ गए थे, बट अब समहाउ कंट्रोल में तो है। और ये वाला मनी प्लांट ना, ये इस तरह के हैं, नीचे फॉल डाउन ऐसे करके होते हैं ना, तो ये देखो ऐसे ना चारों तरफ से गिर रहा था, बट सामने बीच में ज्यादा घना नहीं लग रहा था। तो मैंने इसको ना पूरा रोल रोल करके ये बीच में कर दिया है कि ये नीचे की तरफ ना आए। और यहां से जो रूट्स निकलते हैं ना, अगर उसको आप मिट्टी में थोड़ा सा पुश कर पाओ तो फिर वहां से नए लीव्स आ जाते हैं। मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत इजी होता है, आप ऐसे ही कहीं से भी कट करके, कटिंग्स आप डायरेक्टली सॉइल में भी लगा सकते हो या फिर वाटर में भी। जब भी मैं ये वाला देखती हूँ ना, इतना क्यूट लगता, साइंस लैब याद आ जाता है ना। इस तरह के तो नहीं होते थे, बीकर बोलते थे उसको, है ना, बीकर तो बड़े वाले को बोलते थे, और जो पतले वाले लॉन्ग लॉन्ग वो टेस्ट ट्यूब होते थे। इस शेप में नहीं होते थे, कुछ और बोलते थे, टेस्ट ट्यूब भी बोलते थे वो लंबे वाले को। नहीं, एक और नाम होता है, ऐसा शेप तो नहीं होता था, बट हाँ वो लुक उसी तरह का आता है। और जो टेस्ट ट्यूब में बोल रहे हो ना, वैसा सा भी मिलता है इस तरह का, मोस्टली वो प्लांट प्रोपोगेशन के लिए ही होता है। बट वैसे भी आप फ्लावर्स भी रख सकते हो उसमें, अच्छा लगता है। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप पानी भर के और फ्लावर्स रख दो, नाइस सेंटर पीस। अरे टेस्ट ट्यूब तो होता है, इसका एक नाम और होता है, वायल बोलते थे जो हम, तो भाई टेस्ट ट्यूब ही बोलते थे। आप लोग क्या बोलते थे दोस्तों, बताना, वो लंबे वाले को मैं पिक्चर दिखा। नहीं, वो टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, जिसको मैं टेस्ट ट्यूब बोल रही हूँ, ये वाला। हाँ। इस तरह का भी आता है प्लांट प्रोपोगेशन का, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो वो वाला शेप टेस्ट ट्यूब, और बीकर वो लंबा वाला, बड़ा वाला होता था जो जार टाइप्स होता था, जिसमें लिक्विड भर के टेस्ट ट्यूब में डालते थे, जिसमें से वायल भी बोलते थे ना, छोटे वाला जो होता है जिसमें हम ये ब्लड सैंपल्स देते हैं, जिसमें वो वायल। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, वायल वर्ड याद नहीं है, टेस्ट ट्यूब वर्ड। हाँ, टेस्ट ट्यूब वायल, बट हाँ टेस्ट ट्यूब ये वाला जो है, इसको ये शेप नहीं होता। हाँ। था, बट वो देख के लुक आती है, फीलिंग वही वाली आती है, साइंस लैब वाली। हाँ, एग्जैक्टली, इसको टोंग से पकड़ते थे। हाँ, जब उस, हाँ, उसमें से विस्फोट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई थिंक जो होता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, तो बड़ा केयरफुली करना पड़ता था, और लिक्विड नाइट्रोजन वो तो बाहर निकलता था। कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ? हाँ, तो कितनी बार कोट जले हैं हमारे, लैब कोट क्यों पहनते थे? वो गिरता था एसिड, वो बाद पूरा बर्न हो गया, छेद हो जाता था हमें। चलो, आप लोग भी कोई केमिस्ट्री लैब की स्टोरी है तो बताना। वो एक था हमारी क्लास में, खुराफाती, वो तो जानबूझ के ना, क्योंकि सिंक तो वैसी होती है ना, जो वहाँ की लैब की सिंक, वो केमिकल रेजिस्टेंट होती है। तो उसकी जानबूझ के ना, उसके पास में टेस्ट करता था कि अगर कुछ होगा तो फटाफट सिंक में फेंक दूंगा। मुझे याद है बस इतना ही, बायोलॉजी के हर एक के डायग्राम्स मैं बनाती थी, मतलब किसी को भी डायग्राम बनवाना है, वो जो फाइल सबमिट होती थी प्रैक्टिकल। हाँ। की कॉपी, उसमें डायग्राम के लिए सब मेरे पास आते थे, लिखा, ड्रॉ किया, और फिर ड्रॉ करना होता था, प्रोसेस स्टेप्स होते थे। हाँ। कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फिर रिजल्ट क्या आया, ऐसे उसके 3 या 4 वो होते थे, टेबल बनाते थे कि अच्छा अगर कुछ रीडिंग है। मजा आता, लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकल करने में नहीं मजा आता, वो उतनी साइंस वाली नहीं थी, पर हाँ वो प्रैक्टिकल बुक बनाने में मुझे बड़ा मेरा उल्टा था, मुझे टेस्ट करने में मजा आता था कि और कौन बनाएगा, दोनों ही चीज में, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नारियल तोड़ दो, 1 महीने से आया हुआ है ये, और ये निकालने, ये वाला नारियल
ये वाला नारियल। और जब ले रहे थे ना, मैंने मना किया था कि मत लो, इसको निकालना ना, फिर एक एक्स्ट्रा काम हो जाए। नहीं नहीं मैं कर दूंगा। कोकोनट मिल्क रखा हुआ था और मैं सोच रही थी कि किस तरह से इसको यूज करूं, तो आज वेजिटेबल कोरमा बना रही हूं। बहुत ही क्रीमी क्रीमी, हल्का सा स्वीट स्वीट बनता है ये, बट बहुत अच्छा टेक्सचर होता है। तो खूब सारी सब्जियां भी यूज हो जाएंगी, कोकोनट मिल्क भी यूज हो जाएगा और थोड़ा डिफरेंट खाने, टेस्ट बड को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। रोज के वही मसाला, प्याज अदरक लहसुन मसाले वाली ग्रेवी से हटके होता है ये। इसके साथ आप लच्छा पराठा बना सकते हो, बहुत यम लगेगा अगर डिनर में खा रहे हो तो। और राइस अगर खाना है तो जस्ट सिंपल वाला जो पुलाव होता है ना, जीरा राइस या फिर पुलाव, तो आज मैं सोच रही हूँ पुलाव बनाने का। इसके यहाँ पे सब्जियां कट करके रखी है, आलू गोभी ब्रोकली और जुकीनी भी ऐड किया है, अनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है, टमाटो का पेस्ट भी रेडी है, और यहाँ पे काजू जीरा और पॉपी सीड, इसको सोक करके रखा है। काजू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। सारी प्रिपरेशन डन होती है ना तो कुकिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और जो भी चॉपिंग कटिंग की थी उसकी क्लीनिंग भी हो गई है, तो कुकिंग के बाद ज्यादा क्लीनिंग भी नहीं रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने घी ऐड किया है, तेल भी यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ी सी रिच ग्रेवी बनती है ना, तो घी के साथ आई थिंक फ्लेवर और भी ज्यादा ऐड हो जाए। ये गरम हो गया, इसमें जीरा लौंग काली मिर्च और स्टार एनीस ऐड किया है, प्याज अदरक लहसुन मिर्च अच्छे से फ्राई कर लिया है, और फ्राई होने के बाद टमाटर भी ऐड कर दिया था, और स्पाइसेस में हल्दी रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर करी पाउडर सारे मसाले ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लिया है, और फिर सारी सब्जियां मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया, और मसाले के साथ सब्जियों को बढ़िया से कोट कर लेंगे। काजू पॉपी सीड और जीरा जो वाटर में सोक करके रखा था उसका अच्छा सा पेस्ट बना के वो भी ऐड कर दिया है। कोकोनट मिल्क ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए रख दिया जब तक कि सारी सब्जियां कुक ना हो जाए। और अगर जल्दी बनाना है ना, क्विकली इसको बनाना है कि कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाए, तो आप सब्जियां पहले से भी बॉईल करके ऐड कर सकते हो। वैसे उसका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट अलग होगा, क्योंकि ये जो सब्जियां बॉईल होंगी कोकोनट मिल्क के साथ होंगी, तो उसका पूरा टेस्ट फ्लेवर सब्जियों के अंदर जाएगा। और साथ में मैंने यहाँ पे राइस सोक कर लिया है, घी राइस बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल होता है। ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स कुक हो गए, तो लास्ट में मैंने मटर ऐड कर दिया, फ्रोजन मटर है इसलिए लास्ट में ऐड कर रही हूँ। मेरे पास कैरेट खत्म हो गया था, बट इसमें कैरेट जरूर ऐड करना, बहुत अच्छा लगता है। जो भी हार्ड वेजिटेबल्स है ना वो सब ऐड कर सकते हो आप। घी राइस में ऊपर से गार्निश करने के लिए काजू अनियन और एक मिर्ची फ्राई करके रख ली है, और घी राइस के लिए डालेंगे घी। ये वाली राइस ना, छोटी वाली जो राइस होती है ना, गोविंदो भोग टाइप्स, जिसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, उससे भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब वो है नहीं तो बासमती राइस ही बनाना पड़ेगा। घी गर्म हो गया, बस इसमें अनियन ऐड कर देंगे, जीरा छोटी इलायची स्टार अनीस तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हो। अनियन को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई कर दिया, और फिर राइस ऐड करके और नमक, बस इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। थोड़ा सा घी के साथ इसको फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद गरम पानी ऐड करेंगे, 2 कप राइस 2-4 कप पानी। बढ़िया से इसको घी के साथ फ्राई करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किसी भी पुलाव में ना राइस को घी के साथ लो फ्लेम पे फ्राई करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हल्के हाथों से मिक्स करना होता है, नहीं तो अगर लॉन्ग ग्रेन है तो फिर वो टूट जाएंगे, मशी मशी हो जाते। एक बॉईल आ गया है, अब बस इसको ढक के कुक होने देंगे।
does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found it. अभी सिर्फ 11:30 हुए हैं और मेरा लंच डन है. मॉर्निंग में उठ के ही ना मैंने ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही लंच स्टार्ट कर दिया था बनाना, इसलिए इतनी जल्दी बन गया. और सब अपने अपने कामों में बिजी है. अनुज को कुछ ऑफिस का काम करना है, संडे को भी कभी कभी करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं. बच्चे अपना टीवी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी मौसी से बात कर रहे हैं, पापा अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, और मैं कोकोनट वाटर एंजॉय करूँगी इस हरियाली ग्रीनरी के साथ. एंड अगेन आज हवा नहीं चल रही है, हल्की हल्की ना, वो जैसे बारिश के बाद कैसे ठंडी ठंडी लगती है वैसा वाला वेदर है. बहुत ही अच्छा वेदर है और सनी बिल्कुल भी नहीं है. पूरा दिन है मेरे पास, थोड़ी देर मैं ब्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद देखेंगे, थोड़ा लॉन्ड्री एंड ऑल क्लीन करना है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, संडे को एंजॉय करेंगे. तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा. अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज. कोकोनट वाटर, बाय बाय.